विजयलक्ष्मी है। मैं दयानंद कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में संगीत की शिक्षिका के पद पर हूँ। कला उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम लोगों ने सामा चकेवा नृत्य को चुना है। ये बिहार के मिथिलांचल का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें लोक नृत्य है और कुछ लोग कुछ महिलाएं मिलके इस नृत्य को बहुत अच्छे से करती हैं। ये नवंबर माह में छठ के समय मनाया जाता है, इसलिए हम लोगों ने बच्चों को इस नृत्य को सिखाया और सामा चकेवा के बारे में उन्हें बताया, क्योंकि ये हमारे प्रदेश से लुप्त होता जा रहा है, जिसे हम चाहते हैं कि सभी कोई देखे और इसके बारे में जाने। ये हमारे स्कूल के बच्चों भी इसके बारे में जाने। 10वीं वर्ष की छात्रा हूँ। कला उत्सव में प्रतियोगिता में हमने भाग लिया है, जिसके लिए हमने सामा चकेवा लोक पर्व को चुना है, जो कि छठ पूजा से स्टार्ट होकर कार्तिक पूर्णिमा तक खत्म होता है। इस पर्व में हम लोग भाई बहन के प्रेम को दर्शाते हैं। जिस पुराण के अनुसार मान्यता है कि सामा नाम की एक लड़की थी, जो कि श्री कृष्ण की पुत्री थी, जिन पर कुछ लोगों ने कुछ गलत आरोप लगाए और जिसके कारण श्री कृष्ण ने उन्हें बक्षी होने का श्राप दिया। लेकिन उनके भाई के प्रेम और त्याग ने उन्हें फिर से मानवीय रूप में वापस ले आए। उसी प्रेम भाव को हम लोग दर्शाने के लिए सामा चकेवा पर्व को मनाते हैं। इस पर्व में औरतें डलिया में बहुत सारी मूर्तियां सजाकर बाहर लेके जाती हैं, जैसे कि सामा चकेवा, चुंगला, वृंदावन इत्यादि, और इसे एक दूसरे से बदलती हैं, जिससे हम लोग दर्शाते हैं कि सभी के भाई खुशहाल रहे एवं उन सभी का बढ़ोतरी होते रहे। Thank you.